हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर फ्रीडम एट मिडनाइट। हम करेंगे समरी ऑफ द लेसन, सो लेट्स स्टार्ट। बूटा सिंह वॉज अ 55 ईयर ओल्ड सिख, ही वॉज अ फार्मर। बूटा सिंह 55 ईयर ओल्ड के सिख थे, वो एक फार्मर थे। अर्लियर ही हैड बीन अ वेटरन ऑफ माउंट बैटन्स कैंपेन इन बर्मा। पहले जो बूटा सिंह थे वो बर्मा में माउंट बैटन की फ़ौज में एक सिपाही थे। ही वॉज स्टिल अनमैरिड, वो स्टिल अनमैरिड थे बिकॉज ऑफ हिज फैमिलीज इन अबिलिटी टू परचेज हिम अ वाइफ, क्योंकि उनकी फैमिली उनके लिए जो वाइफ थी वो नहीं ला पा रही थी। मोर ओवर ही वॉज वेरी टिमिड ऑल्सो। इसके अलावा जो बूटा सिंह थे वो डरपोक भी थे। ही वॉज स्टिल अनमैरिड बिकॉज ऑफ हिज फैमिलीज इन अबिलिटी टू परचेज हिम अ वाइफ। वन डे ही वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड्स। एक दिन वो अपने खेतों में फील्ड्स में काम कर रहे थे। ही हर्ड अ टेरिफाइड स्क्रीम बिहाइंड हिम। उनको अपने पीछे एक भयानक चीख सुनाई दी। ही सॉ अ यंग गर्ल हु वॉज परस्यूड बाय अ सिख। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक यंग गर्ल थी जो कि एक सिख उनका पीछा कर रहा था। द गर्ल रश्ड टुवर्ड्स बूटा सिंह, और वो जो लड़की थी वो बूटा सिंह की तरफ भागी। शी बेग्ड बूटा सिंह टू सेव हर, और उन्होंने बूटा सिंह को बोला कि वो उनकी हेल्प करें, उनको बचा लें। बूटा सिंह स्टेप बिटवीन द गर्ल एंड हर कैप्टर। तो बूटा सिंह, वो लड़की और वो जो कैप्टर था, वो जो सिख था, उन दोनों के बीच में आ गया। द गर्ल वॉज अ मुस्लिम हुम द सिख हैड सीज्ड फ्रॉम अ पासिंग रिफ्यूजी कॉलम। वो लड़की एक मुसलमान थी, जहाँ से वो सिख ने उस लड़की को जहाँ पर शरणार्थी रखे जाते हैं, लोग रखे जाते हैं, वहाँ से वो उसको लेके आया था। ही बोर्ड द गर्ल फॉर 1500 रुपीज़ फ्रॉम द कैप्टर। बट क्या हुआ कि जो बूटा सिंह थे उन्होंने उस लड़की को 1500 में उस आदमी से ले लिया। द नेम ऑफ द गर्ल वॉज जैनिब, और वो जो लड़की थी उसका नाम क्या था, जैनिब। एंड शी वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, और उस जैनिब की एज कितनी थी, ओनली 17 ईयर्स। शी वॉज वेरी ग्रेटफुल टू बूटा सिंह हु हैड सेव्ड हर। वो लड़की बूटा सिंह की एहसानमंद थी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। शी बिकेम द सेंटर ऑफ बूटा सिंह्स लाइफ। जैनिब बूटा सिंह की लाइफ का एक केंद्र इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई थी। शी वुड वर्क इन हिज फील्ड्स एंड मिल्क हिज बफलोज। इट मीन्स जैनिब अब उसके खेतों में काम करती थी एंड मिल्क हिज बफलोज। बूटा सिंह मैरिड द गर्ल विद सिख ट्रेडिशंस। तो बूटा सिंह ने उस जैनिब से सिख ट्रेडिशंस में शादी कर ली। 11 मंथ्स आफ्टर देयर मैरिज, 11 महीने के बाद उनकी मैरिज के 11 महीने बाद अ डॉटर वॉज बॉर्न टू बूटा सिंह एंड जैनिब। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। बूटा सिंह नेफ्यूज लॉस द चांस टू इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी, और उनकी बेटी होने की वजह से जो बूटा सिंह के भतीजे प्रॉपर्टी के वारिस बनने का मौका ख़त्म कर चुके थे। दे रिपोर्टेड जैनिब्स प्रेजेंस टू द अथॉरिटीज़। उन्होंने जैनिब उनके घर में है वो बात उन्होंने अथॉरिटीज़ को बता दी। शी वॉज टेकन अवे फ्रॉम बूटा सिंह एंड प्लेस्ड इन अ कैम्प वाइल एफर्ट्स वर मेड टू फाइंड हर फैमिली इन पाकिस्तान। और उन्होंने अथॉरिटी ने क्या कि जैनिब को बूटा सिंह से ले लिया और उसको उसी कैंप में छोड़ आए जहां पर पाकिस्तान के लोग रह रहे थे और उनकी परिवार को ढूंढा जा रहा था। और ये सब कुछ किसने किया, बूटा सिंह के भतीजों ने। बूटा सिंह बिकेम वेरी डेस्परेट। इस बात से जो बूटा सिंह थे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए। ही वेंट टू न्यू दिल्ली, वो दिल्ली में गए। कट हिज हेयर एंड बिकेम अ मुस्लिम, उन्होंने अपने जो हेयर है वो कट करवा दिए और वो मुस्लिम बन गए। बूटा सिंह बिकेम वेरी डेस्परेट, ही वेंट टू न्यू दिल्ली, कट हिज हेयर एंड बिकेम अ मुस्लिम। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द ऑफिस ऑफ पाकिस्तान हाई कमिश्नर एंड डिमांडेड
द रिटर्न ऑफ हिज वाइफ बट इट वॉज यूजलेस। इट मीन्स जो बूटा सिंह थे वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के पास गए, उनके ऑफिस में गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी वाइफ को वापस लेने की डिमांड की, बट ये सब कुछ यूजलेस हो गया, उनकी बात वहाँ पर नहीं सुनी गई। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट रूल्स, क्योंकि काफ़ी उस टाइम रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट चल रहे थे, एबडक्टेड गर्ल्स एंड वुमेन वर टू बी रिटर्न टू द फैमिलीज फ्रॉम विच दे हैड बीन फोर्सिबली सेपरेटेड। अब क्या हुआ कि जो उस टाइम 1947 की जब ये बात चल रही है, वहाँ उस टाइम जो लोग अपनी फैमिली से दूर हो गए थे, अब उन लोगों को दोबारा मिलाया जा रहा है उनकी फैमिली से। फॉर सिक्स मंथ्स बूटा सिंह विजिटेड हिज वाइफ डेली इन द कैंप, और 6 महीने तक जो बूटा सिंह थे वो अपनी वाइफ के लिए उस कैंप में डेली जाते थे। फाइनली जैनिब्स फैमिली वॉज लोकेटेड, फाइनली जैनिब की फैमिली के बारे में पता चला, एंड शी वॉज सेंट विद दैम, और वो जैनिब को उनके पास भेज दिया गया। फाइनली जैनिब्स फैमिली वॉज लोकेटेड एंड शी वॉज सेंट विद दैम। बूटा सिंह अप्लाइड फॉर द राइट एज अ मुस्लिम टू इमिग्रेट टू पाकिस्तान, क्योंकि जो बूटा सिंह थे अब वो मुस्लिम बन गए थे, तो उस हक से उन्होंने पाकिस्तान में रहने की परमिशन मांगी, बट हिज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, बट उनकी वो जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई। ही अप्लाइड फॉर अ वीज़ा, अब उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, बट अब क्या होगा, दैट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। इन डेस्परेशन ही इलीगली क्रॉस द बॉर्डर विद हिज डॉटर, अब वो इतने ज़्यादा अपसेट हो गए कि उन्होंने इलीगली पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अपनी डॉटर के साथ क्रॉस किया। ही लेफ्ट हिज डॉटर इन लाहौर एंड हेडेड टूवर्ड्स जैनिब्स विलेज। बूटा सिंह ने अपनी बेटी लाहौर में छोड़ दी और खुद वो जैनिब के विलेज के लिए चल पड़े। देयर ही रिसीव्ड अ क्रूअल शॉक, वहाँ पर उसे पहुँचकर, बूटा सिंह को पहुँचकर बहुत बड़ा झटका लगा। जैनिब वॉज रीमैरिड सून आफ्टर शी हैड बीन ब्रॉट बैक फ्रॉम इंडिया। जैनिब को भारत से वापस लाने के कुछ समय बाद ही उसकी शादी कर दी गई थी। जैनिब वॉज रीमैरिड सून आफ्टर शी हैड बीन ब्रॉट बैक फ्रॉम इंडिया। ही बेग्ड द अथॉरिटीज़ टू गिव हिम हिज वाइफ बैक, उन्होंने अथॉरिटीज से बोला कि उसकी जो वाइफ है वो उसे वापस कर दी जाए। बट जैनिब्स ब्रदर बीट हिम बैडली, बट जैनिब के ब्रदर्स ने बूटा सिंह को बहुत बुरी तरीके से मारा। देन ही वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस फॉर क्रॉसिंग द बॉर्डर इलीगली, और गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान में आने के लिए उस वजह से उनको जो पुलिस को दे दिया गया। बूटा सिंह वॉज ब्रॉट टू ट्रायल, बूटा सिंह पर मुकदमा चलाया गया। ही प्लीज दैट ही वॉज अ मुस्लिम एंड बेग द जज टू रिटर्न हिज वाइफ टू हिम। बूटा सिंह ने जज से अपील की कि वो एक मुसलमान है और उसकी जो वाइफ है वो उसको वापस कर दी जाए। द जज वॉज मूव्ड, इस बात पर जज को बूटा सिंह पर तरस आ गया। सो द जज वॉज मूव्ड। जैनिब वॉज कॉल्ड इन द कोर्ट रूम, जैनिब को कोर्ट रूम में बुलाया गया। शी आइडेंटिफाइड बूटा सिंह एज हर फर्स्ट हस्बैंड, और जैनिब ने बूटा सिंह को अपने एज अ फर्स्ट हस्बैंड पहचान लिया। द जज आस्क्ड हर इफ़ शी वांटेड टू रिटर्न टू इंडिया विद हिम, और जज ने जैनिब से पूछा कि क्या वो उनके साथ इंडिया वापस जाना चाहती है। द जज आस्क्ड हर इफ़ शी वांटेड टू रिटर्न टू इंडिया विद हिम। अंडर द प्रेशर ऑफ हर एंग्री रिलेटिव्स जैनिब रिफ्यूज्ड, क्योंकि जैनिब पर उनके जो रिलेटिव्स थे उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो उसने मना कर दिया। सिमिलरली शी रिफ्यूज टू टेक द कस्टडी ऑफ हर डॉटर ऑल्सो, और सेम उसने अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए भी मना कर दिया। बूटा सिंह वॉक टू द नियर बाई रेलवे प्लेटफॉर्म विद हिज डॉटर, बूटा सिंह अपनी डॉटर के साथ में जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर वो चला जाता है। ही एम्ब्रेस्ड हर टाइटली इन हिज आर्म्स एंड जम्प्ड बिफोर द ट्रेन, वो अपनी बेटी को अपनी बाहों में टाइटली ले लेता है और जो ट्रेन है उसके सामने जंप कर देता है। ही वॉज किल्ड इंस्टेंटली, बूटा सिंह उसी टाइम
मर गए, बट बाय अ रिमार्केबल मिरेकल हिज डॉटर सर्वाइव्ड अनस्कैस्ड। बट ऐसा चमत्कार होता है कि उनकी बेटी फिर भी बच जाती है। ही एम्ब्रेस्ड हर टाइटली इन हिज आर्म्स एंड जंप्ड बिफोर द ट्रेन। द पुलिस फाउंड अ फेयरवेल नोट रिटन बाय बूटा सिंह टू हिज वाइफ। और जो पुलिस है उन्हें एक फेयरवेल नोट मिलता है बूटा सिंह के पास से, जो कि उनकी वाइफ के लिए था। हिज लास्ट विश वॉज टू बरी हिम इन जैनिब्स विलेज, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि उनको जैनिब के विलेज में ही दबाया जाए। ये बूटा सिंह की लास्ट विश थी। द पुलिस फाउंड अ फेयरवेल नोट रिटन बाय बूटा सिंह टू हिज वाइफ। हिज लास्ट विश वॉज टू बरी हिम इन जैनिब्स विलेज। ही डिजायर्ड हर टू कम एंड पुट अ फ्लावर ऑन हिज ग्रेव फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उनकी क्या विश थी कि वो हम उनके ग्रेव पर आए और टाइम टू टाइम उस पर जो फ्लावर्स है वो रख के जाए। बट जैनिब्स फैमिली डिड नॉट ऑनर हिज विश। बट जैनिब की फैमिली ने उनके इस ऑनर को, इस विश को पूरा नहीं होने दिया। दे एंड द अदर इनहैबिटेंट्स ऑफ द विलेज रिफ्यूज टू परमिट बूटा सिंह ब्यूरियल इन द विलेज सिमेट्री। और जो उसके कज़न थे, फैमिली थी वो, और जो कुछ विलेज वाले थे, उन्होंने वहाँ पर उनकी जो बॉडी है उसको दफनाने से मना कर दिया। हाउएवर बूटा सिंह रिमेन्स वर बरीड अंडर अ माउंटेन ऑफ फ्लावर्स इन लाहौर। दिस मेड जैनिब्स फैमिली एंग्री। बट जो लोग बूटा सिंह को पसंद करते थे, जो उसकी साइड थे, उन्होंने बूटा सिंह की बॉडी को फ्लावर्स के पहाड़ के नीचे लाहौर में दफन कर दिया। दिस मेड जैनिब्स फैमिली एंग्री। सो इस चीज़ ने जैनिब की फैमिली को एंग्री कर दिया। दे सेंट अ कमांडो टू अपरूट एंड प्रोफेन बूटा सिंह टॉम। तो उन्होंने एक कमांडो को भेजा कि वो बूटा सिंह के जो कब्र है उसको वो तोड़ दे। दिस सेवेज एक्शन वॉज नॉट लाइक बाय द पीपल ऑफ द सिटी। और जो लोग बूटा सिंह की तरफ थे, उन्होंने इस एक्शन को सही नहीं समझा। दिस सेवेज एक्शन वॉज नॉट लाइक बाय द पीपल ऑफ द सिटी। कुछ लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। एंड सो बूटा सिंह वॉज री एंटर्ड अंडर अनदर माउंटेन ऑफ फ्लावर्स। तो दोबारा उनकी जो बॉडी थी उनको दोबारा वो एक फ्लावर्स के माउंटेन के नीचे दफन किया गया। दिस टाइम, अब इस टाइम क्या हुआ था, लार्ज नंबर्स ऑफ मुस्लिम्स वॉलंटियर टू गार्ड द ग्रेव ऑफ द सिख हु हैड बिकम अ मुस्लिम। अब लार्ज नंबर में जो सिख थे वो उस एज अ वॉलंटियर उनकी जो ग्रेव थी वहाँ पर वो रहने लगे। इट रेज द होप दैट माइट डू अवे विद द बिटर मेमरीज ऑफ 1947 इन द पंजाब। अब इसने ये एक आस पैदा कर दी थी लोगों के बीच में कि जो 1947 में पंजाब में जो बहुत सारी बिटर मेमरीज थी वो ख़त्म हो जाएंगी। आई होप आपको ये समरी समझ आ गई होगी। थैंक यू।